स्टूडेंट, सो स्टूडेंट टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 7 जिसका नाम है मेजरमेंट। अब मेजरमेंट क्या होता है? नाप होता है। हम किसी भी चीज़ का नाप लेते हैं ना, उसे मेजरमेंट बोलते हैं। तो ये मेजरमेंट के बारे में हम ये चैप्टर में आगे आगे सीखेंगे। उससे पहले हमको अलग अलग टाइप के टॉपिक दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है लॉन्गर और शॉर्टर। अब लॉन्गर मीन्स क्या होता है और शॉर्टर मीन्स क्या होता है? लॉन्गर मीन्स होता है लंबा, जो लंबा होता है ना वो, और शॉर्टर मीन्स होता है छोटा। लॉन्गर मीन्स लंबा और शॉर्टर मीन्स छोटा। अब इसे फाइंड करने के लिए कि कौन सी चीज़ लॉन्गर है और कौन सी चीज़ शॉर्टर है, उसके लिए हमको टू ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपको सब सारी पिक्चर में टू पिक्चर आपको दी हुई है, टू ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है उस चीज़ को फाइंड करने के लिए कि कौन सी चीज़ लॉन्गर है और कौन सी चीज़ शॉर्टर है। तो उसके पहले मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। आप यहाँ पे टू पेंसिल्स दिख रहे हैं, पहला एग्जाम्पल ही आपके टू पेंसिल्स का है। यहाँ पे मेरे पास पहले से एक पेंसिल है, अब यहाँ पे मेरे पास एक और पेंसिल है। अब आप ये चीज़ देख के ही फाइंड कर सकते हो, देख सकते हो कि कौन सी चीज़ लॉन्गर है और कौन सी शॉर्टर। मैंने आपको क्या बताया, लॉन्गर मीन्स लंबा होता है और शॉर्टर मीन्स छोटा। तो मेरे हाथ में जो ये ब्लू कलर की पेंसिल है वो लॉन्गर है, और ये जो छोटी वाली पेंसिल है वो शॉर्टर है, आप देख रहे हैं। तो हमने ये चीज़ देख के ही फाइंड कर ली कि कौन सी चीज़ लॉन्गर है और कौन सी शॉर्टर, कौन सी पेंसिल लॉन्ग है और कौन सी शॉर्टर है। क्योंकि हमें तो पता ही है कि लॉन्गर मीन्स क्या होता है, लंबा होता है, और शॉर्टर मीन्स छोटा होता है। तो हमने ये चीज़ देख के ही फाइंड कर ली। किसकी ज़रूरत पड़ी? टू ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत पड़ी ना, हमें टू पेंसिल्स की ज़रूरत पड़ी उसे फाइंड करने के लिए कि कौन सी लॉन्गर है और कौन सी शॉर्टर है पेंसिल। तो यहाँ पे भी आपको टू पेंसिल्स दिए गए हुए हैं। यहाँ पे आप देख के ही इसे फाइंड कर सकते हैं कि ये वाली जो पेंसिल है वो लॉन्गर है, यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये वाली पेंसिल है वो शॉर्टर है। सो दिस पेंसिल इज़ लॉन्गर एंड दिस पेंसिल आर शॉर्टर। वैसे यहाँ पे दूसरा पिक्चर है, उसमें भी टू ऑब्जेक्ट्स हैं। एक आप देख रहे होगे यहाँ पे सीढ़ी बनी हुई है, टू यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई है। ये वाली सीढ़ी जो है वो लॉन्गर है ना, और ये वाली शॉर्टर, हमने देख के ही फाइंड कर लिया, और यहाँ पे लिखा हुआ भी है। अब आपको ये खुद फाइंड करना है देख के कि इसमें कौन सा लॉन्गर है और कौन सा शॉर्टर है। क्या है? टिक द लॉन्गर। अब यहाँ पे टू लीव्स हमको दिख रहे हैं, है ना, टू लीव्स हम देख रहे हैं यहाँ पे। अब ये वाली जो लीव्स है आप फाइंड कर सकते हो कि ये जो है वो शॉर्टर है और ये वाली लीव्स है वो लॉन्गर है ना। दिस पेंसिल इज शॉर्टर एंड दिस पेंसिल आर लॉन्गर। तो हमें क्या करना है? टिक द लॉन्गर, हमें जो लंबे है उस पर टिक करना है, तो हम इस पर टिक करेंगे। अब सेकेंड वाली पिक्चर में एक मोप दिया हुआ है, झाड़ू दी हुई है ना। अब क्या बोलना है? टिक द लॉन्गर, हमें दोनों में से टिक लॉन्गर में टिक करना है। तो ये वाली जो पिक्चर है वो लॉन्गर है और ये वाली शॉर्ट, तो हम लॉन्गर पे टिक करेंगे। वैसे ही नेक्स्ट हमारी पिक्चर है, अब बट इसमें क्या लिखा है? टिक द शॉर्टर। अब जो छोटा मीन्स छोटा होता है ना, तो टिक द शॉर्टर, जो चीज़ छोटा है उस पर टिक करना है। यहाँ पे कुछ हमको रोप दी हुई है, रस्सी दी हुई है, ये वाली आप देख रहे होंगे, तो ये लॉन्गर आपको दिख रही होगी और ये वाली शॉर्टर, हमें शॉर्टर पे टिक करना है, तो हम इस पर टिक करेंगे। और यहाँ पे टू टाइप की स्टिक है, मेरे पास भी टू टाइप की स्टिक है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये रही मेरे पास टू टाइप की स्टिक, सेम जैसे पिक्चर में है। ये वाली स्टिक है वो क्या है? लॉन्गर है, और ये वाली जो स्टिक है वो लॉन्गर से शॉर्टर है, छोटी है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, देख सकते हो, फाइंड कर सकते हो, है ना। तो हमने इजीली इसको फाइंड कर लिया, ये वाली जो है वो लॉन्गर है और ये वाली शॉर्टर। तो हमें किस पे टिक करना है? शॉर्टर पे टिक करना है। तो हम जो यहाँ पे दोनों में से कौन सी है शॉर्टर, ये वाली स्टिक, तो हम इस पे टिक करेंगे। अब हमें नेक्स्ट बोला गया है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट। अब ये दोनों टॉपिक, वो जो हमने टॉपिक पहले पढ़ा लॉन्गर और शॉर्टर का, उसी से ही रिलेट, उसी का ही सेम है, बट इसमें कुछ डिफरेंट है लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट।
है ना। क्या बोला गया इसमें, ये आपको अब इसमें तीन ऑब्जेक्ट्स आपको दिए गए हैं। पहले वाले में हमको दो में से फाइंड करना था, अब हमको थ्री में से फाइंड करना है। थ्री में से कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट है और थ्री में से सबसे ज़्यादा छोटा कौन है, शॉर्टेस्ट कौन है, वो हमें फाइंड करना है। उसे ही क्या बोलते हैं, जैसे कि जितने भी हमको पिक्चर्स दिए गए, जितने ऑब्जेक्ट्स दिए, उनमें से सबसे लंबा कौन सा है उसे लॉन्गेस्ट बोलते हैं, और सबसे छोटे वाली चीज़ को, जैसे सबसे छोटा जो कोई पिक्चर होती है या फिर कोई चीज़ हो, उसे शॉर्टेस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे आपको थ्री चिल्ली दी गई हुई है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है लॉन्गेस्ट, तो आप देख के ही फाइंड करो, ये वाली जो चिल्ली है वो बाकी दो चिल्ली से लॉन्गर है ना। हमने उसको देख के ही फाइंड कर लिया, हमको थ्री में से फाइंड करना है, इसलिए ये क्या है, लॉन्गेस्ट है। ये दोनों में से ये वाली चिल्ली जो है फर्स्ट वाली, वो लॉन्गेस्ट है। अब ये शॉर्टेस्ट कौन सी है, ये दोनों चिल्ली में से जो लास्ट वाली चिल्ली है वो शॉर्टेस्ट है, ये दोनों में से सबसे छोटी चिल्ली ये है। तो आपको ऐसे ही फाइंड करना है लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट। अब मेरे पास भी है, मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि आप ये आपको नहीं दिख रहा होगा ऐसे, यहाँ पे मैं आपको थ्री स्टिक दिखा रही हूँ, ठीक है, ये वन, ये टू और ये थ्री, ठीक, जैसे हमने चिल्ली वाला एग्जांपल पढ़ा है ना। अब ये वाली जो स्टिक है वो ये दोनों बाकी स्टिक से लंबी है, आप देख के ही फाइंड कर लो इसको, ये देखो है ना। फर्स्ट वाली जो स्टिक है वो बाकी दो स्टिक से लॉन्गर है, यानी लंबी है, तो ये क्या हो गया, लॉन्गेस्ट स्टिक हो गई। और आप ये वाली देखोगे लास्ट वाली, तो ये बाकी दोनों स्टिक से शॉर्टेस्ट है, यानी सबसे छोटी स्टिक है ये, है ना। हमको थ्री में से फाइंड करना है, तो ये वाली जो स्टिक है फर्स्ट वाली वो लॉन्गेस्ट है, और लास्ट वाली जो है वो शॉर्टेस्ट है, यानी वो ये दोनों में से सबसे छोटी है, और लॉन्गेस्ट वाली में ये दोनों में से बाकी सबसे लंबी ये वाली स्टिक है। ऐसे ही हमको थ्री में से फाइंड करना है। अब इस क्या है, टिक द लॉन्गेस्ट, हमको लॉन्गेस्ट पे टिक करना है। आप तीनों पिक्चर अच्छे से देखो, उसके बाद फाइंड करना, ये वाली पिक, ये वाली और ये वाली, आपको तीनों में से लंबी कौन सी दिख रही है लॉन्गेस्ट। तो मुझे तो जो ये जो बीच में जो है वो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट दिख रही, तो हम क्या करेंगे उस पर टिक, बाकी दोनों से जो सेंटर वाली है वो सबसे ज़्यादा लॉन्गर है, लॉन्गेस्ट है। अब क्या है, हमको कुछ कॉर्न दिए गए हैं, यहाँ पे थ्री कॉर्न्स दिए गए हैं, तो आप देख के इजीली आप इसको फाइंड कर सकते हैं कि हाँ ये दोनों में से या तीनों में से सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट कौन सा कॉर्न है। तो ये जो फर्स्ट वाला कॉर्न है वो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट है बाकी दो कॉर्नों से। अब क्या है, टिक द शॉर्टेस्ट, अब सबसे जो छोटा है उस पे टिक करना। यहाँ पे भी एक स्टिक दी गई हुई है, तीन टाइप की स्टिक, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आप ये वाली टिक फाइंड करो, ये वाली स्टिक फाइंड करो, और ये वाली, आपको तीनों में से लंबी कौन सी दिख रही है। मुझे तो ये फर्स्ट वाली है, शॉर्टेस्ट पे हमको टिक करना है, तो दोनों में से छोटी कौन, तीनों में से छोटी आपको कौन सी दिख रही है। तो ये जो बीच में जो स्टिक है वो तीनों में से सबसे छोटी है, शॉर्टेस्ट है, सॉरी तीनों में से। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टॉलर और शॉर्टर, है ना। टॉलर मीन्स भी लंबा ही होता है और शॉर्टर मीन्स छोटा होता है। आपको इसे भी फाइंड करने के लिए टू ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे आपको ये पिक्चर में टू पिक्चर्स दी हुई है पहले से, है ना, टू पिक्चर्स आपको दी हुई है। आपको फाइंड करना है टॉलर मतलब लंबा कौन सा है और शॉर्टर कौन सा है। टॉलर मीन्स लंबा होता है और शॉर्टर मीन्स छोटा होता है। आपको ये फाइंड करने के लिए टू पिक्चर्स दी गई हुई है, यहाँ पे टू टाइप के जिराफ दिए गए हैं। ये वाला जो जिराफ है आप देखोगे इतना लंबा है ना, टॉलर है, ये वाले जिराफ से वो एकदम लंबा है, टॉलर है। और ये वाला जो जिराफ है वो शॉर्टर है ना, टॉलर से ये शॉर्टर है, ये वाले जिराफ से ये वाला जिराफ एकदम छोटा है, तो हम क्या बोलेंगे इसे, शॉर्टर, है ना। सो दिस जिराफ इज टॉलर एंड दिस जिराफ आर शॉर्टर। अब वैसे ही यहाँ पे दो किसान दिए गए हैं ना, है ना,
उसमें क्या बोला है, एक टॉलर है और एक शॉर्टर है। तो आप इसको देख कर ही फाइंड कर लोगे कि ये वाला जो किसान है वो इस किसान से टॉलर है, और ये वाला जो किसान है वो ये किसान से शॉर्टर है, छोटा है, है ना। हमने फाइंड कर लिया। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। मेरे पास भी एनिमल है, यहाँ मेरे पास भी टू टाइप के एनिमल्स हैं, दोनों एलिफेंट ही है, बट ये जो एलिफेंट है वो क्या है, टॉलर है ये वाले एलिफेंट से, ये वाला जो एलिफेंट है वो शॉर्टर है ना, छोटा है, और ये वाला जो एलिफेंट है वो लंबा है। इसका हम यूज़ हैवी और लाइट में भी कर सकते हैं, जो आगे हमारे टॉपिक में आएगा, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल के लिए मैंने आपको ये दिखाया कि टॉलर, ये वाला एलिफेंट है वो टॉलर है, लंबा है, और ये वाला जो एनिमल है वो शॉर्टर है दोनों में से। सो दिस एलिफेंट इज़ लॉन्ग टॉलर एंड दिस एलिफेंट आर शॉर्टर। अब हमको क्या बोला है, टिक द टॉलर। अब आपको देख के ही फाइंड करना है दो ऑब्जेक्ट में से कौन सा टॉलर है। तो यहाँ पे एक छोटी सी बर्ड है और यहाँ पे एक डक है लंबी सी, तो ये टॉलर कौन सी, आप पिक्चर में देख के ही फाइंड कर लोगे कि ये वाली जो है वो टॉलर है। यहाँ पे टू काव दिए गए हैं, ये वाली जो काव है, मैंने अभी आपको एलिफेंट का एग्जांपल दिया ना, दो एलिफेंट थे, उसमें से एक लॉन्गर था और एक शॉर्टर था, एक बड़ा था एक छोटा था, और यहाँ पे काव जो है ये वाली काव है वो टॉलर है, और ये वाली जो काव है वो शॉर्टर है, हमें टॉलर पे टिक करना है। अब क्या है, टिक द शॉर्टर, अब हमें शॉर्टर पे टिक करना है जो छोटा है। अब यहाँ पे टू टाइप्स के डॉग दिए गए हैं, ये एक पप्पी है और एक डॉग है, तो शॉर्टर दोनों में से कौन सा है, ये वाला पप्पी। अब यहाँ पे दो प्लांट्स दिए गए हैं छोटे छोटे, अब आपको इसमें से देख के फाइंड करना है कौन सा छोटा है, तो ये वाला जो प्लांट है वो छोटा है, इस पर टिक करेंगे। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, टॉलेस्ट और शॉर्टेस्ट। अब टॉलर मतलब लंबा होता है और शॉर्टर मीन्स छोटा होता है। टॉलेस्ट मतलब सबसे लंबा, और शॉर्टर मीन्स शॉर्टेस्ट मीन्स सबसे छोटा, है ना। हमने पहले वो उसमें इसमें लॉन्गेस्ट में भी हमने पढ़ा था, लॉन्गेस्ट मीन्स सबसे लंबा और शॉर्टेस्ट मीन्स सबसे छोटा, तीनों में से हमको फाइंड करना था। वैसे ही टॉलर मीन्स लंबा और शॉर्टर मीन्स छोटा। टॉलेस्ट मतलब सबसे लंबा और शॉर्टेस्ट मीन्स सबसे छोटा, वो हमको फाइंड करना है। आपको थ्री ऑब्जेक्ट्स दिए गए, थ्री पिक्चर्स दिए गए हैं। आप ये वाली पिक्चर में देखोगे तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 का एक हाउस है, यहाँ पे 2 फ्लोर का एक हाउस है, और यहाँ पे ओनली 1 फ्लोर का एक हाउस है। तो टॉलेस्ट कौन सा हुआ, तीनों में से सबसे ज़्यादा लंबा कौन सा हाउस है, तो ये वाला यहाँ पे लिखा हुआ है टॉलेस्ट। ये दोनों हाउस में से सबसे ज़्यादा लंबा ये वाला हाउस है। अब शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा हाउस कौन सा है, तो ये वाला जो हाउस है वो दोनों में से सबसे छोटा है। वैसे ही हम ट्री का एग्जाम्पल लेंगे, टॉलेस्ट आप देख के ही फाइंड कर लोगे जो सबसे ज़्यादा बड़ी ट्री कौन सी, सबसे ज़्यादा बड़ी तो टॉलेस्ट कौन सी ट्री है, ये वाली, और ये वाली उससे छोटी, और ये वाली सबसे छोटी शॉर्टेस्ट, तीनों में से सबसे शॉर्टेस्ट सबसे छोटा प्लांट ये है। मैं भी आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, आपको दिखाती हूँ, ये सबसे बड़ा एलिफेंट, फिर ये उससे छोटा एलिफेंट, और ये फिर उससे छोटा, और एक और ये सबसे छोटा। अगर आपको इन सब में से फाइंड करना हो तो आप अच्छे से देखो ये वाले एलिफेंट को, फिर उसके बाद को, फिर ये, और फिर ये। तो इसमें जो ये फर्स्ट वाला एनिमल है ना, यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है ये क्या है, टॉलेस्ट एनिमल है ना, सबसे बड़ा है ये तीनों में से सबसे बड़ा एलिफेंट ये है। और अगर हम ये फाइंड करना हो कि सबसे शॉर्टेस्ट एनिमल कौन सा है, तो ये लास्ट वाला है ना, सबसे छोटा एनिमल है, तो ये क्या है, शॉर्टेस्ट है, ये बाकी एनिमल से सबसे छोटा है, और ये फर्स्ट वाला है वो टॉलेस्ट है, ये बाकी सब में से सबसे लंबा है।
वैसे ही आपको क्या बोला है, टिक द टॉलेस्ट। अब हमको तीनों में से सबसे जो लंबा है उस पर टिक करना है, तो यहाँ पे जो डक है वो सबसे लंबी है। अब शॉर्टेस्ट, सबसे ज़्यादा छोटा जोकर कौन सा है, तो जो फर्स्ट वाला है वो सबसे छोटा है। ये हो गया हमारा लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट। अब क्या है नेक्स्ट टॉपिक, थिकर और थिनर। अब थिकर मीन्स क्या होता है, पतला, और थिनर मीन्स होता है मोटा। आपको इसको भी फाइंड करने के लिए टू ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे इसमें है, यहाँ पे टू गर्ल के हेयर है ना, बाल है। यहाँ पे लिखा है थिनर और यहाँ पे थिकर। आप देख के ही फाइंड कर सकते हो कि ये वाला जो हेयर है वो पतला है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, थिनर। और ये वाला जो हैंड है वो मोटा है ये वाले हेयर से, तो इसे क्या लिखेंगे, थिकर। आपको फाइंड करना हो तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जैसे कि यहाँ पे ये इंस्ट्रूमेंट है म्यूज़िक के, आपको ये देखना है कि ये वाला जो स्टिक है, स्टिक टाइप का बजाने वाला ऐसे बजता है, वो क्या है, ये वाले स्टिक से मोटा है, मोटा है ना। अब ये वाला जो है वो एकदम पतला है, तो हमें क्या बोलना है, थिनर। ये वाला जो है वो थिनर है स्टिक, और ये वाली क्या है, थिकर है। ये वाली मोटी है और ये वाली थिनर, मतलब पतली है। ये दोनों में से अगर आपको फाइंड करना हो तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो, देख सकते हो ना, थिकर कौन सा है और थिनर कौन सा है। तो ये वाला जो स्टिक है वो थिकर है और ये वाला थिनर है, पतला है। सो दिस स्टिक आर थिनर एंड दिस स्टिक आर थिनर एंड दिस स्टिक आर थिकर। सो आपने ये इजीली फाइंड कर लिया। अभी क्या है नेक्स्ट, यहाँ पे कौन से दो दिए गए हैं, ये क्या है, एक इसमें जिसमें धागा लपेटते हैं ना वो है, तो आप दोनों में से इसको फाइंड करना है, रील है शायद ये, दोनों में से इसको फाइंड करना है, थिकर कौन सा है, थिनर कौन सा है। तो मैंने क्या बोला, थिनर मतलब क्या होता है, पतला, और थिकर मीन्स मोटा। तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, थिकर यानी मोटा, थिनर मतलब पतला। अब क्या है, टिक द थिकर। अब हमें क्या करना है, दोनों में से जो चीज़ मोटी है, थिकर है, उसमें टिक करना है। तो यहाँ पे आप दो झाड़ू देख रहे हैं, दोनों में से मोटी कौन सी है, ये वाली, तो इसमें क्या करना है, हमें टिक करना है। अभी ये ट्री के जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको देखना है, जड़ है ये शायद, तो जड़ को आपको देखना है कि दोनों में से थिकर कौन सी, तो ये वाली जो है वो थिकर है। अब क्या बोला है, टिक द थिनर। अब हमें पतले पे टिक करना है, जो चीज़ पतली है दोनों में से। अब यहाँ पे तीर है टू टाइप्स की, तो ये वाली जो तीर है वो थिनर है, पतली है, और हमें रोप दी गई हुई है, रस्सी दी गई है, दोनों में से फाइंड करना है कौन सी पतली है, तो ये वाली जो है वो पतली है, तो हमें उसमें टिक करना है। अब वही सेम चीज़ है, थिकेस्ट और थिनेस्ट। जैसे हमने वो पहले पढ़ा हैवीएस्ट, मतलब सबसे क्या पढ़ा था, टॉलेस्ट शॉर्टेस्ट, मतलब सबसे लंबा सबसे छोटा। फिर हमने इसमें पढ़ा था लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट, सबसे लंबा सबसे छोटा। अब वैसे ही हम क्या करेंगे, थिकेस्ट और थिनेस्ट। थिकेस्ट मतलब सबसे मोटा है ना, थिक्स मतलब क्या होता है, मोटा। थिकेस्ट मतलब सबसे मोटा, और थिनेस्ट मतलब सबसे पतला। आपको थ्री पिक्चर्स दी गई हुई, आपको थ्री ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, उसमें से आपको फाइंड करना है, ये वाला जो है वो सबसे मोटा है, थिकेस्ट बोला है ना, सबसे मोटा कौन सा है, और थिनेस्ट सबसे पतला कौन सा है। वैसे यहाँ पे भी ऐसा कागज़ है राउंड करके रखा हुआ है, आपको उसको फाइंड करना है, ये वाला जो है वो थिकेस्ट है और ये वाला थिनेस्ट है। टिक द थिकेस्ट। अब आपको क्या करना है, थिकेस्ट पे टिक करना है, तीनों में से जो सबसे मोटी पेंसिल है उस पर आपको टिक करना है, तो ये फर्स्ट वाली पेंसिल है वो सबसे ज़्यादा थिकेस्ट है। अब क्या है, टिक द थिनेस्ट।
अब आपको जो सबसे ज़्यादा ब्रश, जो सबसे ज़्यादा पतला है उस पर टिक करना है। तो ये फर्स्ट वाला है वो सबसे ज़्यादा थिनेस्ट है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हैवियर लाइटर। अब ये आपने पहले भी पढ़ चुका है, हैवियर मीन्स क्या होता है, भारी, और लाइटर मीन्स हल्का। आपको इसमें भी टू पिक्चर्स दिए गए हैं, यहाँ पे एक पम्पकिन है और यहाँ पे एक क्या है, टोमेटो है। अब जो टोमेटो है वो पम्पकिन से क्या है, लाइटर है, और पम्पकिन जो है वो टोमेटो से हैवियर है ना। हम उससे देख के ही फाइंड कर लिया, जो पम्पकिन है वो हैवियर है और टोमेटो है वो लाइटर है। हैवियर मीन्स क्या होता है, भारी, और लाइटर मीन्स क्या होता है, हल्का। वैसे भी यहाँ पे एनिमल्स दिया है, एलिफेंट है और आंट है, जिसमें से जो एलिफेंट है वो बहुत ही भारी होते हैं ना, हैवियर होता है, तो एलिफेंट क्या है, वो हैवियर है, और जो आंट है वो तो एकदम छोटी सी होती है, वो लाइटर है। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि ये मेरे पास यहाँ पे स्क्वायर है, टू टाइप्स के स्क्वायर है, तो आप इसे देख के ही फाइंड कर सकते हो। ये वाला जो स्क्वायर है वो लाइटर है, हल्का है, हम देख के ही फाइंड कर लेना, और ये वाला जो है वो हैवियर है, ये वाले स्क्वायर से, ये वाला जो है वो हैवियर है और ये वाला लाइटर। अगर मैं आपको ये बॉल का एग्जांपल दूं, तो अगर आप ये बॉल देखेंगे, ये बड़ी सी बॉल है ना, कितनी हैवी है, उसके सामने ये वाली जो बॉल है वो एकदम लाइटर है। तो दिस बॉल इज लाइटर एंड दिस बॉल्स आर हैवियर, है ना, ये बॉल हैवियर है और ये वाली लाइटर। अब क्या है, टिक द लाइटर। अब हमें जो हल्का है उस पर टिक करना है लाइटर पे। यहाँ पे एक शर्ट दी गई है और एक लॉक दिया गया है, तो जो शर्ट है वो लॉक से लाइटर होती है, हल्की होती है, तो हमें शर्ट पे टिक करना है, हमें लाइटर पे टिक करना है। यहाँ पे टू टाइप के सिलेंडर्स दिए गए हुए हैं, ये वाला देखोगे तो आपको ये वाले से ये हल्का लगेगा लाइटर, और ये वाला हैवियर है, हमें लाइटर पे टिक करना है। अब क्या है, टिक द हैवीएस्ट, हमें हैवियर पे टिक करना है। तो यहाँ पे एक काइट है और उसकी ये चक्री है, तो जो चक्री होती है वो काइट से हैवियर होती है। यहाँ पे टू टाइप की फिश दी गई हुई है, और जैसे कि यहाँ पे जो फिश है ये वाली वो हैवियर है और ये वाली लाइटर है, तो हमें हैवियर पे टिक करना है। अब क्या बोला गया है यहाँ पे, हैवीएस्ट और लाइटेस्ट। अब हैवीएस्ट मतलब सबसे ज़्यादा भारी, और लाइटेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा हल्का। इसके लिए भी आपको थ्री ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है फाइंड करने के लिए। यहाँ पे आपको थ्री पिक्चर्स दी गई है, वाटरमेलन की है, पहले ये वाला वाटरमेलन है जो सबसे बड़ा दिख रहा होगा, फिर उससे छोटा, और फिर सबसे छोटा ये वाला है। तो जो सबसे ज़्यादा भारी है उसे क्या बोलेंगे, हैवीएस्ट। ये वाला जो वाटरमेलन है वो हैवीएस्ट है, और जो सबसे छोटा है वो लाइटेस्ट है। मैंने आपको उसका एग्जांपल दिया था ना, जैसे आप ये एलिफेंट का देखोगे तो, है ना, यहाँ पे थ्री ऑब्जेक्ट अगर हम रखते हैं तो ये वाला जो एलिफेंट है और सबसे ज़्यादा भारी होगा, उसके बाद ये वाला, और सबसे लाइटेस्ट कौन सा होगा, ये वाला। आप देख के ही फाइंड कर सकते हो, जो सबसे बड़ा ये वाला है एलिफेंट है वो क्या है, हैवीएस्ट है, हैवीएस्ट एलिफेंट है, और ये वाला जो है वो ये दोनों में से सबसे लाइटर है, सबसे हल्का एनिमल है ना, हमने इसे देख के ही फाइंड कर लिया। सो दिस एलिफेंट इज हैवीएस्ट एंड दिस एलिफेंट आर शॉर्टेस्ट, है ना, तीनों में से सबसे छोटा एलिफेंट ये सबसे लाइटर एनिमल ये है, और तीनों में से सबसे हैवीएस्ट एनिमल ये वाला है, फर्स्ट वाला। अभी आपको बोला गया है टिक द हैवीएस्ट, जो सबसे भारी है उस पर आपको टिक करना है। यहाँ पे टिफ़िन दी गई है, तो आपको ये फर्स्ट वाली जो टिफ़िन दिख रही है वो देख के आप फाइंड कर लोगे कि ये बाकी दोनों में से सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट है। अब क्या है, टिक द लाइटेस्ट, तीनों तो आपको दिख रही है, यहाँ पे एक हथौड़ी है, यहाँ पे एक बुक्स का बॉक्स है, और ये एक फ्रॉक है, तो सबसे ज़्यादा लाइटर कौन सी है, ये फ्रॉक, कपड़े तो हल्के ही होते हैं ना। अब क्या है,
टिक द हैवीएस्ट, हमको वापस हैवीएस्ट भारी पे टिक करना है। यहाँ पे टिफिन है, यहाँ पे बॉटल और यहाँ पे बकेट है, तो ये दोनों में से जो बकेट है वो सबसे ज़्यादा भारी है, हैवीएस्ट है। अब आपको क्या बोला गया है, यहाँ पे लिखा है मेजरमेंट। अब मेजरमेंट क्या होता है, नाप होता है जिसको हम अलग अलग टाइप से उसका नाप करते हैं। जैसे आप टेलर के पास जाते हो तो टेलर हमारे क्लोथ सिलने से पहले हमारा मेजरमेंट लेते हैं ना, नाप लेते हैं हमारा। वैसे आप घर में कोई काम कराते हो, बेड बनाते हो, खिड़की लगवाते हो, तो उसका वो जो मिस्त्री होते हैं वो उसका नाप लेके जाते हैं ताकि जो नाप ले रहे हैं हम वो बराबर उसमें फिट हो जाए। वैसे हर कोई भी चीज़ हम करते हैं तो उसका एक नाप होता है ना, तो वही क्या है, हमारा मेजरमेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या फाइंड करना है हमको, यहाँ पे जो ये गर्ल है वो क्या कर रही है, अपने हैंड ये जो पंजा है ना उससे क्या ले रही है, बुक का नाप ले रही है। क्या कर रही है वो, अपने ये जो क्या है स्पांस है ना, इसे क्या बोलते हैं स्पांस, बित्ता, जो हमारी ये बित्ता लेते हैं ना हम बित्ता, वो यही चीज़ कर रही है ना, वो क्या कर रही है, स्पांस कर रही है। अब क्या बोला गया यहाँ पे, द बुक इज 3 spans लॉन्ग, है ना, क्या बोला गया है, जो ये अब इससे क्या नाप ले रही है, एक मेजरमेंट ले रही है, नाप ले रही है, किससे ले रही है, स्पांस से ले रही है। एक बित्ता होता है ना ऐसे, ये चीज़ जो हम करते हैं ना उसे क्या बोलते हैं, बित्ता यानी स्पांस बोलते हैं। तो उससे वो उसका मेजरमेंट ले रही है, नाप ले रही है, जैसे अपनी बुक का ले रही है। तो द बुक इज़ थ्री स्पांस लॉन्ग। अब क्या बोला है, उसने 3 type के ऐसे बित्ता नाप लिया है, वो कितना हो रहा है 3, जिसने वो इस बुक का उसने नाप लिया। अगर मैं मेरी बुक का नाप लूँ तो मेरे अगर मैं बित्ता लूँ इस अपने ये हैंड से तो कितना होगा, 1 2, मेरे तो टू स्पांस में ही बुक्स जो है वो कंप्लीट हो जा रही है, लेकिन ये एक छोटी सी गर्ल है तो इसका कितना लगा, 3 लगा। तो अगर आपको भी ट्राई करना हो तो आप अपने घर से ऐसे स्पांस से बित्ता से ऐसे नाप लेके मेजरमेंट लिख के बुक का कितना हो रहा है, टेबल का कितना हो रहा है, कोई भी चीज़ आपको डिफरेंट टाइप का आप ऐसे नाप ले सकते हैं। अब क्या बोला है, द टेबल इज़ ब्लैंक स्पांस लॉन्ग। अब क्या बोला गया है, इसने वही सेम चीज़ की है, बित्ते से स्पांस से ही नाप लिया है, किसका लिया है, अब इसने बॉय ने टेबल का नाप लिया है। अब बुक से जो टेबल है वो लंबा होता है ना, तो उसका जो उसका बित्ता है उसका नाप है वो भी ज़्यादा आएगा। तो आपको ये घर पे फाइंड करना है, कोई भी आपके घर में टेबल हो, कोई भी चीज़ हो, टेबल का ही आपको नाप लेना है, किससे, ऐसे बित्ते से आपको नाप लेना है ना, है ना, ऐसे आपको स्पांस से आपको ऐसे नाप लेना है, वो कितने आपके हो रहे हैं, फिर वो आप नंबर आपको यहाँ पर लिखना है, ये बॉय ने कितने, चलो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, कितने लिए होंगे इसने यहाँ पे, 5 लिए होंगे, जिससे वो टेबल कंप्लीट हो गया होगा। अब ट्रेस योर फ्रेंड्स हैंड स्पान हेयर, आपके अपने फ्रेंड का जो स्पान है ना, ये वाली चीज़ वो आपको ऐसे ड्रॉ करनी है, ये वाली चीज़ जिससे हम बित्ता नाप लेते हैं ना, तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, कुछ इस टाइप का आपको ड्रॉ करना है। अब क्या बोला गया है, मेज़र, सेम चीज़ आपको करनी है, माई टेबल इज़, आपको अपने टेबल का क्या लेना है, स्पैन लेना है, कितना लॉन्ग है वो, मैंने आपको बताया ना स्पैन, मतलब ये चीज़ से आपको नाप लेना है ऐसे करके फाइंड करके कि वो कितना लॉन्ग हो रहा है, कितनी बार उसने स्पैन किया होगा जिससे वो टेबल का उसको मेजरमेंट पता चल गया होगा। तो मैं यहाँ पे 5 लिख देती हूँ, आप घर पर ट्राई करके आपको यहाँ पर नंबर लिखना है, आपको सेम एक्टिविटी है घर पर करनी है। सो माई टेबल इज़ 5 spans लॉन्ग। अब वही सेम चीज़ दूसरी गर्ल है, माई पेंसिल इज़ ब्लैंक स्पैन लॉन्ग। अब उसने वो ये स्पैन इसका यूज़ नहीं किया, अपने हैंड का यूज़ नहीं किया, उसने ऐसी पेंसिल का यूज़ किया है। अब आपके जो हैंड होता है ये इससे जो पेंसिल है वो लॉन्ग होती होगी ना, उसने ये पेंसिल से नाप लिया है, तो आप कोई भी चीज़ से आप नाप ले सकते हो। सो माई पेंसिल, अगर उसने पेंसिल से लिया होगा तो कितना हुआ होगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं
टू, क्योंकि पेंसिल लॉन्ग लॉन्ग लॉन्गर होती है इसलिए माई पेंसिल इज टू स्पैन लॉन्ग। मैंने जब नाप लिया तो कितनी पेंसिल आई, आपको जितना नाप लिया होगा आपने वो आप लिख सकते हो यहाँ पे। वैसे ही सेम माई क्लासरूम ब्लैक बोर्ड इज ब्लैंक पेंसिल लॉन्ग। उसने क्या किया, अपने क्लासरूम का जो बोर्ड है उससे ये पेंसिल से उसने स्पैन क्या किया, स्पैन किया है ना, स्पैन मतलब बित्ता एक नाप होता है ना, वो किया। वो कितनी पेंसिल उसने उससे नाप लिया होगा जिससे उसका ब्लैक बोर्ड का उसको मेजरमेंट पता चल गया होगा, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 5। उसने 5 किया होगा जिससे एक बोर्ड की लंबाई उसे पता चल गई होगी। सो माई क्लासरूम ब्लैक बोर्ड इज 5 पेंसिल्स लॉन्ग। अब वैसे ही सेम चीज़ पहले उसने अपने हैंड से की थी, यहाँ से है ना बित्ता लिया था, स्पेन लिया था अपने हैंड से। अब वही सेम चीज़ है जो ये बॉय है आपको दिख रहा होगा पिक्चर में, अपने फीट से कर रहा है, फुट से कर रहा है, पैर से कर रहा है, पैर के जो फीट होते हैं ना उससे, पंजे वाला नीचे वाला भाग होता है ना उससे कर रहा है। सो द कारपेट इज 10 feet long। 10 feet जो पैर पंजा होता है ना वो, उससे उसने उसका किसका मेजरमेंट लिया है, कारपेट का, कालीन होती है ना उसका मेजरमेंट लिया है। तो उसका कितनी टाइम उसने ऐसे चला होगा उस पर, कितना फीट का उसने नाप लिया होगा जिससे ये कालीन का उसको और नाप पता चल गया होगा कि कितनी लॉन्ग है। तो यहाँ पे लिखा है 10 feet, ये बॉय के 10 feet में ये कालीन का उसको नाप पता चल गया। सो कारपेट इज 10 feet long। उसने किससे अपना नाप लिया, अपने फीट से। मैंने आपको बोला ना आप खुद ये चीज़ ट्राई करोगे तो ही आपको पता चलेगा। आपके घर में भी ऐसी कारपेट तो होगी, आप अपने फीट से ट्राई करो मैं कितने फीट आगे बढ़ रहा हूँ जिससे मेरी जो कारपेट है उसका मुझको नाप पता चल जा रहा है। वैसे ही सेम चीज़ ये गर्ल कर रही है, द मैट इज 6 feet long। अब ये क्या है, मैट एक चटाई पे, अब चटाई से उसका नाप ले रही है, किससे, फीट से, पैर से ही। इसका कितना हुआ, 6 feet हुआ, उसने काउंट किया ये मैट को पूरा करने में कितना मैट लॉन्ग है, 6 feet उसके फीट के। तो आप ये खुद ट्राई करना घर पे, अपने फीट का पहले कालीन पे लेना, उसके बाद चटाई होगी आपके घर पे उस पर आपका नाप लेके आप यहाँ पे ये एक्टिविटी आप घर पे कर सकते हो। अब क्या है, गेस द डिस्टेंस बिटवीन 2 trees। अब यहाँ पे 2 trees दी गई है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एंड ये एक दिस साइड एंड दैट साइड, दोनों अलग 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 साइड पे ट्री रखी हुई है। अब क्या बोले, गेस द डिस्टेंस बिटवीन 2 trees, हमें 2 trees के जो बीच का क्या है डिस्टेंस है वो हमको फाइंड करना है। कैसे करेंगे, सेम इसी फीट की तरह, अपने फुट का जो फीट होता है ना पंजे की तरह ये बॉय यहाँ पे ले रहा है नाप। आप ये चीज़ भी कहीं पे भी जाओ ट्राई करना, आपको 2 trees तो आपको कहीं पे भी दिखेगी। अगर अब उसका आपको नाप लेना है, मेजरमेंट लेना है, तो आप कैसे करेंगे, उसका डिस्टेंस आपको फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे, यही सेम चीज़ फीट से, पैर से। मैंने यहाँ पे लिखा है डिस्टेंस बिटवीन द 2 trees इज इक्वल टू 12 feet। मैंने अंदाजे से लिखा है यहाँ पे कि ये बॉय ने ये वाली ट्री से यहाँ जाने में उसके 12 feet का, उसने 12 feet वो लॉन्ग होंगे, उसका नाप होगा। आप ये खुद ट्राई करना और फिर यहाँ पे लिखना कि आपको 2 trees का अगर बीच का आपको बिटवीन का डिफरेंस आपको पता करना है तो आपके कितने फीट लगेंगे ये दोनों को दोनों के डिफरेंस फाइंड करने में, वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो आपको जो ये आपका मेजरमेंट का जो चैप्टर है वो यहाँ पे फिनिश हो चुका है। आपको इसमें कितने सारे टॉपिक्स सीखने को मिले, हैवियर लाइटर लॉन्गर शॉर्टर थिक को थिनर है ना, तो ये सारी एक्टिविटी और ये जो मेजरमेंट का छोटा सा हमको एक्सप्लेन किया था वो आपको अच्छे से इसके समझना है और इसकी सारी एक्सरसाइज है वो अपनी बुक में कंप्लीट करना है। थैंक यू।